आपका पहला सवाल है, प्रभु श्री राम के पिता का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा बी दशरथ। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से किस से संकट मोचन के नाम से जाना जाता है? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा बी हनुमान जी। आपका तीसरा सवाल है, रामायण किस युग से संबंधित है? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा सी त्रेता युग। आपका चौथा सवाल है, प्रभु श्री राम के कितने भाई थे? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा सी तीन। आपका पांचवा सवाल है, रामायण के कुल कितने कांड हैं? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा डी सात। आपका छठा सवाल है, रामायण में कुल कितने चौपाई है? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा 4608 चौपाई है। आपका सातवां सवाल है, प्रभु श्री राम के पिता का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा ए माता कौशल्या। आपका आठवां सवाल है, प्रभु श्री राम के साम्राज्य का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा ए अयोध्या। आपका नौवां सवाल है, राजा दशरथ की कितनी पत्नी थी? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा सी तीन। आपका दसवां सवाल है, प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा बी अयोध्या। आपका एक ग्यारहवां सवाल है, किस महर्षि ने प्रभु श्री राम का नाम रखा था? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा बी मॉरिस वासिष्ठ। आपका बारहवां सवाल है, रामायण के लेखक कौन है? आपका विकल्प है ए बी सी डी। आपका सही जवाब होगा ए महर्षि वाल्मीकि।